देखिए फेंडर को मैंने कंप्लीट किया है फिनिश। तो ये फिनिश देने के लिए क्या क्या प्रोसेस है, सब प्रोसेस आप लोगों को अच्छा से हम लोग काम करके दिखाएंगे, ठीक है। तो कैसे हुआ ये फेंडर रेडी, तो वो प्रोसेस आप लोगों को दिखाएंगे। तो प्लीज सबसे पहले आप लोग देखिए डेंडिंग से, जैसे कि मैंने डेंडिंग किया है। तो देखिए डेंडिंग कम्प्लीट है, तो ये डेंडिंग का ऊपर क्या क्या प्रोसेस है वो प्रोसेस देखिए, पूरा फेंडर को हम लोग कम्प्लीट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे बॉडी फिलर। तो बॉडी फिलर है, बॉडी फिलर को हम लोग सबसे पहले फेंडर में एप्लीकेशन करेंगे। तो 3mm का बॉडी फिलर है, बहुत ही अच्छा है। बॉडी फिलर का काम क्या है, गड्ढा मेकअप करना। तो जो गड्ढा है उस गड्ढा मेकअप हो जाएगा बॉडी फिलर से। तो देखिए ज़्यादा बॉडी फिलर नहीं खाएगा, एक टन में हो जाएगा अच्छा से। तो देखिए जैसे करके मैंने बॉडी फिलर टाना, आप लोग भी टानिए अच्छा से। जो भी काम करना है आप लोगों को अच्छा से करना है, दिमाग से करना है, ठीक है। तो देखिए इसका लाइन क्रॉस भी आ गया अभी, तो इसका हम लोग सैंडिंग करेंगे अभी। तो सैंडिंग के लिए पहले आप लोग ड्राई कोट लगा लीजिए, फिर 80 नंबर गोल्डिश पेपर लीजिए। 80 नंबर गोल्डिश पेपर से अच्छा से आप लोग देख देख के सैंडिंग कीजिए। तो अभी है 120 फाइल पेपर, 120 फाइल पेपर लीजिए। फाइल पेपर देखिए जो आपको सैंडिंग करना है जहाँ पे वहाँ पे अच्छा से सैंडिंग कीजिए। तो देखिए सैंडिंग करके हम लोग लाइन क्रॉस अच्छा से निकल दिया है अभी, देखिए जो लाइन क्रॉस है वो अच्छा से निकल दिया। तो अभी क्या है आप लोगों को फेदरिंग करने पड़ेगा, कलर जो है उसको फेदरिंग कीजिए। तो थोड़ा बाहर के फेदरिंग कीजिएगा, पुट्टी एप्लीकेशन होगा तो इसलिए आप लोगों को थोड़ा बाहर एरिया जो है वो एरिया लेके आप लोगों को सैंडिंग करना जरूरी है। तो देखिए अच्छे से करेंगे हम लोग, तो प्लीज़ देख के कीजिएगा आप लोग, जैसे मैंने किया है आप लोग भी कीजिएगा। तो देखिए ये टुको पुट्टी 1050 टुको पुट्टी है, पॉलिस्टर पुट्टी एशियन पीवीजी का, बहुत ही अच्छा पुट्टी है। आप लोग भी यूज़ कीजिए, सैंडिंग करके भी बहुत ही अच्छा मज़ा आता है। तो देखिए हार्डनर मिक्सिंग हो रहा है, 100 ग्राम में 2 ग्राम हार्डनर जाएगा। तो पुट्टी को अच्छा से मिक्सिंग कर लीजिए, तो फिर उसका ऊपर बॉडी बिल्डर का ऊपर पुट्टी एप्लीकेशन कर दीजिए। देखिए तो देखिए बॉडी बिल्डर का ऊपर पुट्टी एप्लीकेशन करेंगे हम लोग। तो पुट्टी जो है फास्ट को थोड़ा दबा के टनिएगा अच्छा से, दबा के टनने से क्या क्या होगा, बॉडी फिलर और पुट्टी का पकड़ अच्छा बनेगा। देखिए उसका जो पकड़ है वो अच्छा बन जाता है। देखिए तो प्लीज आप लोग देखिए, तो कोई जगह पे आप लोग जाओ जाए पुट्टी मेकअप करना है, पुट्टी ज़्यादा नहीं लगेगा इसमें, 2 टन पुट्टी देंगे हम लोग, पुट्टी अच्छा से मेकअप हो जाएगा। देखिए 2 टन में, तो देखिए तो दूसरा बार पुट्टी एप्लीकेशन करेंगे हम लोग, और भी प्लास्टिक फाइबर से। तो प्लास्टिक फाइबर लीजिए, प्लास्टिक फाइबर लेके अच्छा से पुट्टी मेकअप कर दीजिए। तो प्लास्टिक फाइबर से क्या आता है, हर जगह में पुट्टी अच्छे से मेकअप हो जाता है। तो देखिए प्लास्टिक फाइबर से हर जगह में एक ही बार में मेकअप हो जाएगा। देखिए तो देखिए प्लास्टिक फाइबर से एक ही बार में मेकअप हो जाएगा, हर जगह में आप लोग मेकअप कीजिए। तो जैसे करके मैंने किया है, आप लोग भी कीजिए देख के। देखिए इसका लाइन क्रॉस भी कितना अच्छा से निकल गया है। तो अभी क्या करेंगे इसमें पुट्टी, पुट्टी के जो है वो थोड़ा ड्राई होने दीजिए, ड्राई होने के बाद थोड़ा सैंडिंग होगा। तो देखिए हर जगह में देख देख के हम लोग पुट्टी करना है। तो पुट्टी ड्राई होने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, हार्डली आप लोगों को 20 से 30 मिनट। तो अभी होगा सैंडिंग, देखिए तो ड्राई सैंडिंग हो रहा है। देखिए ड्राई सैंडिंग ये 80 नंबर गोल्डिश पेपर से पहले हम लोग किया है, जो सैंडिंग होगा वो 80 नंबर गोल्डिश पेपर से कीजिए। तो देखिए आप लोग सैंडिंग 80 नंबर से कीजिएगा, तो देख के कीजिएगा हर जगह में सैंडिंग, कोई जगह पे ज़्यादा भी कटना नहीं चाहिए, इसलिए तो हम लोग इसमें ड्राई कोट लगाता है, क्योंकि ज़्यादा कोई जगह पे जगह ज़्यादा सैंडिंग नहीं होना चाहिए। तो प्लीज़ आप लोग देख के कीजिए, जैसा कि मैंने किया है आप लोग भी कीजिएगा। तो सैंडिंग आप लोग बराबर कीजिएगा देख के, सैंडिंग आप लोग जितना अच्छा से करेंगे आप लोगों का फिनिशिंग
फ्राई अच्छा और बढ़िया होगा। तो देखिए छन्नी के लिए आपको ड्राई कोट बावर कीजिए, एक ड्राई कोट बहुत ही अच्छा है। तो देखिए अभी 120 फाइल से आप लोग सेंडिंग कीजिए, 80 का बाद 120, 120 का बाद 180 कीजिए। तो देखिए पहले 120 से हो रहा है, तो नीचे में जो है हम लोग अच्छा में सेंडिंग कर रहे हैं जो पेपर से, तो आप लोग भी कीजिएगा। देखिए 120 का बाद आप लोग 180 कीजिएगा, बस 180 से फाइनल दीजिए दो। तो देखिए तो जैसे कि मैंने सेंडिंग किया है, तो ये 180 नंबर पेपर। तो अभी क्या करेंगे, इसका लाइन निकलना है, तो मास्किंग टेप देते इसको लाइन को अच्छा से मास्किंग टेप कीजिए। देखिए लाइन को अच्छा से मास्किंग टेप कीजिए, फिर उसके बाद सेंडिंग कीजिए, लाइन निकल के आ जाएगा। देखिए जैसा करके मैंने बैठाया मास्किंग टेप, आप लोग भी बैठाइए। देखिए तो देखिए जैसा करके मैंने सेंडिंग किया है, आप लोग भी सेंडिंग कीजिएगा। तो पूरा एक्वाबेस कलर है। तो सेंडिंग अच्छा से कीजिएगा, इसका लाइन को कैसे करके अच्छा से निकल जाएगा, उसका प्रोसेस आप लोग देखिए अच्छा से। तो आप लोगों भी जैसे मैंने सेंडिंग किया है एक बार करके देखिए आप लोग गाड़ी में, तो देखिएगा आप लोगों का सेंडिंग बहुत ही अच्छा और बढ़िया होगा। तो देखिए इसका लाइन क्रॉस कितना अच्छा से निकल रहा है। देखिए तो मैंने भी काम किया है, आप लोग भी काम कीजिएगा मेरे जैसा, एक बार करके देखिए एक बार कैसा होता है, फिर उसका बाद कमेंट में आप लोग बताए हमको। आप लोगों को कलर बने में कुछ का किसी के बारे में जानना है पुट्टी का पेन का, तो कमेंट में बताइए आप लोग। और देखिए कितना अच्छा से हम लोग इसको सेंडिंग कर रहा है, देख के कीजिएगा आप लोग, बीच बीच में हाथ से चेक कीजिएगा आप लोग। तो ड्राई कोट मार दिया, अभी क्या करेंगे हम लोग 320 पेपर से अच्छे से सेंडिंग कर दीजिए। देखिए जिसके पास मशीन नहीं है 320 हाथ से मारिए गुटका से हैंड ब्लॉक से। तो अभी जो है हम लोग के पास मशीन है, मशीन से अच्छा से करेंगे। देखिए फेदरिंग, तो एक बार देखिए हम लोग, तो सेंडिंग देखिए जब मास्किंग टेप हम लोग हटाएंगे तो आप लोग देखिए इसका लाइन क्रॉस इतना अच्छा से निकल गया है। तो देखिए 320 मार रहा है देखिए लाइन में। तो देखिए एक बार सेंडिंग होने दीजिए, सेंडिंग होने के बाद मास्किंग टेप हटा देंगे अभी हम लोग। तो देखिए मास्किंग टेप हटाएंगे, आप लोग देखिए फॉलो कीजिएगा इसका लाइन क्रॉस, देखिए कितना अच्छा से एकदम नया ओरिजिनल जैसा हो गया। देखिए तो गाड़ी का जो लाइन क्रॉस आप लोग अच्छा से सेंडिंग करेंगे, कटिंग करेंगे, तो आप लोगों का फेंडर बहुत ही अच्छा लगेगा देखने के लिए फिनिशिंग। तो पैमार है, 2K पैमार है, एशियन पीपीजी का 510 HS पैमार 2K है। तो देखिए एक बार आप लोग फॉलो कीजिए, तो पहले पैमार को मारिए, जैसे इसका लाइन क्रॉस सब अच्छा से निकल गया है। तो प्लीज़ आप लोग जैसा करके मैंने काम किया है, आप लोग भी पैमा को ऐसा करके एप्लीकेशन कीजिएगा। तो देखिए 2K पैमा है एशियन पीपीजी का। तो इसका ड्राई होने के बाद अभी सेंडिंग होगा। देखिए तो सेंडिंग कर रहे हैं हम लोग 400 पेपर से, पहले सेंडिंग करना है आप लोगों को पैमार 400 पेपर यूज कीजिए पहले, उसके बाद आप लोग 500 पेपर यूज कीजिए। तो सेंडिंग आप लोग कीजिए, और जहाँ पे आप लोगों का कलर होगा वहाँ पे आप लोग 1000 नंबर ऑर्डर पेपर से मार दीजिएगा, फेंडर कम्प्लीट हो जाएगा। हम लोग जहाँ पे प्राइमर है वहाँ पे हम लोग पेपर यूज करेंगे, उसके बाद जो एरिया है उस एरिया में हम लोग 1000 नंबर ऑर्डर पेपर से अच्छा से सेंडिंग कर देंगे। उससे क्या होता है आप लोगों का कलर भी कम खाएगा, ज़्यादातर प्राइमर है वहाँ पर भी आप लोग कलर तेज कर सकते हैं आप लोग। तो देखिए जो सेंडिंग है वो आप लोग देख के कीजिए अच्छा से। तो देखिए मेरा सेंडिंग कंप्लीट है, तो अभी क्या करेंगे कलर करेंगे इसमें। देखिए मेरा सेंडिंग कंप्लीट है, तो अभी यहाँ पे कलर होगा। तो प्लीज़ जैसे मैंने कलर एप्लीकेशन कर रहा हूँ एक्वाबेस कलर, तो आप लोग भी पहले पैमा जहाँ पे है वहाँ पे मान लीजिए। देखिए
इसको ड्राई होने दीजिए, ड्राई होने के थोड़ा टाइम लगता है अकोबिस, क्योंकि अकोबिस में स्मार्ट ड्रायर से सूखता है, देखिए सूख गया है अभी। अभी सेकंड कोट एप्लीकेशन करेंगे हम लोग, तो सेकंड कोट एप्लीकेशन होने दीजिए, ये तो फाइनल कोट सेकंड कोट, तो इसके बाद फिर कंट्रोल कोट मारेंगे हम लोग। तो देखिए फेंडर जब कम्प्लीट होगा तो आप लोगों को मालूम ही नहीं चलेगा कि कलर हुआ है, तो प्लीज़ आप लोग देखिए अच्छा से फॉलो कीजिए। तो देखिए तो कॉर्नर कट मार रहा है अभी हम लोग, तो कॉर्नर कट भी हम लोगों का कंप्लीट है। तो इसको ड्राई होने दीजिए, ड्राई होने के बाद क्लियर मारेंगे, एकदम फाइनल फिनिशिंग देंगे। तो देखिए अच्छे से क्लियर, पहले आप लोग साइड में मार लीजिए अच्छे से, जितना एरिया है साइड में। तो इसका लाइन कॉल देखिए कितना अच्छे से निकल गया है। तो फास्ट कोट किया हमारी है पहले, फास्ट कोट का बाद उसके बाद आप लोग फाइनल किया मार सकते हैं दो कोट में। तो इसके थोड़ा बेकअप टाइम लीजिए, हाई पिच मैंने बेकअप टाइम दिया है, अभी फाइनल कोट मार रहा है देखिए। तो फाइनल कोट देखिए, तो प्लीज, तो फाइनल कोट आप लोगों का कैसा लगा तो कमेंट में बोलिए हमको। देखिए एकदम नया जैसा हो गया है, तो देखिए किसी को मालूम नहीं चलेगा जो गाड़ी कलर हुआ है। तो आप लोगों को मेरा प्रोसेस कैसा लगा वो कमेंट में बताइए। आप लोगों को मेरा प्रोसेस अच्छा हुआ तो मेरे चैनल में लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा, और किसी को बांग्ला में देखना है तो मेरा एक और चैनल है राजू बोसा कार डेनिम प्रिंटिंग।